हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज हम लोग बात करेंगे 11 मार्च 2019 के सारे करंट अफेयर। ये वीडियो होगा हिंदी में और मेरा नाम है कुमार गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला सवाल है, हु लॉन्च द पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 ऑन मार्च 9 बाई एडमिनिस्ट्रिंग पोलियो ड्रॉप टू चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर एट राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन से 9 मार्च को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 2019 के लिए किसने की? तो ये किया गया है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, और ये भारत के 14वें प्रेसिडेंट हैं। और राष्ट्रपति भवन स्थित है न्यू दिल्ली में, और राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने। ओके, और पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि पोलियो कौन से वायरस के द्वारा होता है। ओके, कमेंट विद द आंसर। विच कंट्री हैड इंक्रीज इट्स डिफेंस बजट बाई 7.5% फॉर दिस ईयर, हाइकिंग इट टू $177.61 बिलियन फ्रॉम लास्ट ईयर $175 बिलियन। ओके, तो कौन से देश ने अपने डिफेंस बजट में 7.5% की बढ़ोतरी की है इस साल, और अब उस देश का डिफेंस बजट हो गया $177.61 बिलियन और पिछले साल था $175 बिलियन। ओके, तो ये देश है चाइना, ये देश है चाइना, और चाइना का जो डिफेंस बजट है ये भारत के 3 गुने हैं। ठीक है ना, भारत के डिफेंस बजट से 3 गुना है, और ये अब USA के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया जो डिफेंस बजट पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ओके, और USA ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस बजट पे खर्च करता है। ओके, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना का प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, और करेंसी है चाइना की रेनमिनबी युआन। ओके, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड कोल श्री पीयूष गोयल लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू कोचिंग टर्मिनल एट। तो जो मिनिस्टर है रेलवेज के और कोल के भी हैं पीयूष गोयल, उन्होंने शिलान्यास किया है नए कोचिंग टर्मिनल का। ओके, तो ये कोचिंग टर्मिनल कहाँ खोला जाएगा? तो ये टर्मिनल खोला जाएगा नेमोम में, और नेमोम है केरला में। ओके, नेमोम है केरला में, और केरला के CM है पिनाराई विजयन, और गवर्नर है P87, और केरला में है मट्टिकेत्तन सोलर नेशनल पार्क, अनामोदी सोलर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो आप याद रखेंगे, और इडुकी डैम, इडुकी डैम है, मुल्ला पेरियार डैम भी है। ओके, तो आप याद रखेंगे। विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन 2022 एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन सा देश है जो 2022 के एशियन गेम्स में पहली दफ़ा पार्टिसिपेट करेगा? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, ये देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ओके, और एशियन गेम्स जो 2022 का होने वाला है ये होगा होंगचो चाइना में, और 2022 का जो एशियन गेम्स है इसमें क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स इवेंट भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप याद रखेंगे। और 2018 का एशियन गेम हुआ था इंडोनेशिया में। विच सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 50th रेजिंग डे ऑन 10th of March 2019? तो कौन से सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने अपना 50वां रेजिंग डे मनाया है 10 मार्च 2019 को? तो ये CAPF है, CISF। ओके, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है CISF, और CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। ओके, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 new benches ऑफ NCLT एट। तो NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 2 new benches बनाने का NCLT का, और ये 2 new benches आएंगे इंदौर और अमरावती में। और इंदौर कहाँ है? तो इंदौर है MP में, और इंदौर में है होलकर स्टेडियम और होलकर एयरपोर्ट। ओके, और अमरावती ये कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। ओके, आंध्र प्रदेश की डी फैक्टो कैपिटल है हैदराबाद, और ये डी जूरे कैपिटल है, और आंध्र प्रदेश के CM है चंद्रबाबू नायडू। अडानी पोर्ट एंड SEZ प्लान्स टू सेट अप कार्गो हैंडलिंग एट कट्टुपल्ली पोर्ट। कट्टुपल्ली पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो अडानी पोर्ट एंड SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अडानी पोर्ट SEZ ने प्लान किया है कि वो कार्गो हैंडलिंग अब करेंगे कट्टुपल्ली पोर्ट को। ओके, यानी कट्टुपल्ली पोर्ट को विकसित किया जाएगा कार्गो हैंडलिंग के लिए। ओके, तो कट्टुपल्ली पोर्ट कौन से राज्य में है? तो कट्टुपल्ली पोर्ट है इन्नौर में, ठीक है, और इन्नौर है चेन्नई के नज़दीक, यानी ये है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, CM है EDP के पलनीस्वामी, और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। स्टडी सेज HIV इन्फेक्शन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी एक्सपीरियंसिंग रिमिशन आफ्टर ART। वाट डज द ART स्टैंड फॉर? तो एक स्टडी बताती है कि जो HIV का इन्फेक्शन है, जो वायरस है ये HIV, ओके, ह्यूमन इम्यून वायरस इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एड्स का कॉज होता है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो HIV इन्फेक्शन
एआरटी के बाद रिमिशन यानी कैंसिल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ओके तो कम होना स्टार्ट हुए हैं। तो एआरटी क्या होता है, तो एआरटी का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्स एसआईटी टू प्रोब डेटा थेफ्ट केस, ओके यानी डेटा थेफ्ट केस, ओके ये हुआ था, ये एक कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, एक वाईएसआर पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी, इसके एक मेंबर के द्वारा, ओके और अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो एक एसआईटी को एसआईटी बना रहे हैं जो कि इस डेटा थेफ्ट केस को प्रोब करेगी, इस पर जाँच बैठाया गया है, ओके और एसआईटी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ओके और ऐसा करने वाला राज्य सरकार है तेलंगाना, तेलंगाना की राज्य सरकार ने किया है और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, ओके और तेलंगाना की के सीएम है के चंद्रशेखर राव, ओके और गवर्नर है ई एस लक्ष्मी नरसिम्हन, ओके और तेलंगाना में है अमराबाद नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क तो आप याद रखेंगे, और काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। अरुण जेटली रिलीज द बुक सबका साथ सबका विकास विच इज़ अ कॉम्पाइलेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ, तो अरुण जेटली जो कि फिनांस मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बुक रिलीज किया जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास, ओके और ये किसके सेलेक्टेड स्पीच का संग्रह है, तो ये स्पीचेज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ठीक है ये स्पीचेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसको रिलीज किया गया अरुण जेटली के द्वारा, और नाम है सबका साथ सबका विकास। हु रिलीज द डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल 1857 टू 1947 इन न्यू दिल्ली, तो डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1947 तक लेके, ठीक है इसको किसने रिलीज किया, तो ये डिक्शनरी रिलीज किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यह किया गया उनके निवास स्थान, ओके जो कि है सात लोक कल्याण मार्ग, ओके पहले जो रेसिडेंस होता था प्राइम मिनिस्टर का उसका नाम था 7 RCR रोड यानी रेस कोर्स रोड, बट इसका नाम बदल के कर दिया गया है अब सात लोक कल्याण मार्ग। श्रीमंता शंकर देव अवार्ड, माधव देव अवार्ड एंड कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड आर सेट ऑफ कल्चरल अवार्ड ऑफ विच स्टेट, तो श्रीमंता शंकर देव अवार्ड, माधव देव अवार्ड और कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड ये कल्चरल अवार्ड हैं, सेट हैं एक कल्चरल अवार्ड के, तो ये कौन से राज्य के हैं, तो ये अवार्ड दिए जाते हैं असम में, असम की राज्य सरकार द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, और असम की कैपिटल है दिसपुर, ओके और असम के सीएम है सर्वानंद सोनोवाल, ओके और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी, और जगदीश मुखी अब मिजोरम के भी गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज मिला इनको तो आप याद रखेंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2019 विच विल रिस्टोर विच रोस्टर सिस्टम फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट, तो फैकल्टी रिक्रूटमेंट के लिए जो रोस्टर सिस्टम था पहले, ओके उसको अब अमेंड कर दिया गया है, और ये अमेंड किया गया है एक ऑर्डिनेंस के द्वारा जिस पे अपनी मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति ने, ओके और ये जो ऑर्डिनेंस है इसका नाम है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2019, ओके और ये जो ऑर्डिनेंस है ये रिस्टोर करेगा 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को, ओके और ये ऑर्डिनेंस था एमएचआरडी मंत्रालय का, ओके यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। हु टू हेड 5-member कमिटी टू एग्जामिन इशूज रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ अ प्रॉपर एंड स्ट्रक्चर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ इंश्योरेंस कवर टू द एडवोकेट, यानी वकीलों के लिए एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है कौन एक 5-member कमिटी बनाई गई है, और ये कमिटी बनाई गई है कानून मंत्रालय के द्वारा यानी लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, और लॉ मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, ओके और ये 5-member कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, तो ये 5-member कमेटी को हेड करेंगे सेक्रेटरी इन लीगल अफेयर्स जो कि हैं आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव इनका नाम है, ठीक है तो आप याद रखेंगे, और रविशंकर प्रसाद जो कि लॉ मिनिस्टर हैं भारत के, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, ठीक है आईटी मिनिस्टर भी हैं तो आप याद रखेंगे, और सुभाष चंद्र गर्ग ये भारत के नए फिनांस सेक्रेटरी हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये कोविंद है ठीक है, कोविंद एडमिनिस्टर्ड पोलियो ड्रॉप ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन डे विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोलियो ड्रॉप को एडमिनिस्टर किया है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के दिन, ओके तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 मार्च को, ये किया जाता है 10 मार्च को। इंडिया हैड साइन $3 billion डील फॉर न्यू न्यूक्लियर पावर सबमरीन विथ विच कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, ओके तो भारत ने
कौन से देश के साथ नया न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए एक डील साइन किया है, और ये $3 बिलियन का डील है और ये 10 साल के लिए डील साइन किया गया है। ओके, तो भारत ने साइन किया है ये डील रसिया के साथ। ओके, रसिया के साथ, और भारत ने रसिया के साथ S-400 का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ख़रीदा था। ओके, तो उसके लिए भी डील हुआ था, तो आप याद रखेंगे। और रसिया की कैपिटल है मॉस्को, और रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रूबल, और रूबल बेलारूस की भी करेंसी है। ओके, और रसिया के पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। इंडिया हैड ऑर्गेनाइज्ड अ ज्वाइंट स्पेस डायलॉग विथ विच कंट्री इन न्यू दिल्ली, तो भारत ने कौन से देश के साथ एक ज्वाइंट स्पेस डायलॉग अभी कंडक्ट किया है नई दिल्ली में, तो ये देश है जापान, ये देश है जापान, और भारत ने पहली बार ये स्पेस डायलॉग जापान के साथ किया है। ओके, सो दिस वाज द इनॉग्रल ज्वाइंट स्पेस डायलॉग एंड इट वाज बायलेटरल। ओके, तो आप याद रखेंगे जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, और जापान की पार्लियामेंट का नाम है डायट। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 वॉज ऑर्गेनाइज इन, तो ये दूसरा एडिशन था इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 2019, और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में, ये हुआ था नई दिल्ली में। अटल आहार योजना फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन द स्टेट विच विल प्रोवाइड गुड क्वालिटी फूड एट अ हाईली सब्सिडाइज रेट इज लॉन्च इन विच स्टेट, तो अटल आहार योजना, ओके, इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए अच्छा क्वालिटी का खाना दिया जाएगा, सब हाईली सब्सिडाइज रेट पे, यानी कि 5 रुपये में खाना उनको दिया जाएगा, और पोषक तत्वों से भरा खाना रहेगा ये। ओके, तो ये कौन से राज्य में ये योजना, ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो ये अटल आहार योजना लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। ओके, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया है अटल आहार योजना। और अटल ज्योति योजना ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था, मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और अटल पेंशन योजना, ओके, ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आप याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में घुग्गाबल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, टडोबा नेशनल पार्क है, और भीमाशंकर नेशनल पार्क है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम कोलेबोरेटेड विथ गूगल आर्ट्स एंड कल्चर फॉर ऑनलाइन एग्जीबिशन, हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ NCSM, तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम ने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ कोलेबोरेट किया है, उनके साथ एक संधि की है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन एग्जीबिशन। ओके, तो NCSM के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो NCSM के महानिदेशक हैं ए डी चौधरी। विच एयरपोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड एज बेस्ट एयरपोर्ट इन द कैटेगरी ऑफ ओवर 40 मिलियन पैसेंजर पर एनम, ओके, यानी कि कौन से एयरपोर्ट में 40 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर आते हैं और जाते हैं, ठीक है ना, तो ये इस कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब मिला है IGI एयरपोर्ट को, IGI एयरपोर्ट जो कि फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये है नई दिल्ली पालम में। ओके, और बीजू पटनायक एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, और हिंडौन एयरपोर्ट है गाजियाबाद में, और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है पटना में। विच पॉलिटिकल पार्टी हैड अनाउंस टू फील 33% वीमेन कैंडिडेट इन द फोर्थ कमिंग लोकसभा इलेक्शन, तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, यानी कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कौन से राजनीतिक दल ने ये अनाउंस किया है कि वो 33% टिकट वीमेन कैंडिडेट को देंगे। ओके, तो 33% लोकसभा टिकट जो पार्टी महिलाओं को देने वाली है, वो राजनीतिक दल है बीजू जनता दल, जिसकी सरकार है ओडिशा में, और इसके अध्यक्ष हैं नवीन पटनायक, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं ओडिशा के। इंडिया एंड कोस्टारिका साइंड 2 डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग हुज फर्स्ट विजिट टू द सेंट्रल अमेरिकन नेशन, तो भारत ने कोस्टारिका के साथ 2 डॉक्यूमेंट यानी दो MOU पे हस्ताक्षर किया है। ओके, और ये किसके पहली विजिट पे किया गया है, तो पहला विजिट है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू का। ओके, और एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कोस्टारिका के दौरे पे हैं पहली बार। ओके, और कोस्टारिका की कैपिटल है सैन जोस, और करेंसी है कोलोन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वीमेन इन इंडिया, दैट इज नारी शक्ति पुरस्कार 2018, द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड इज आर, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो औरतों के लिए, जो महिलाओं के लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, जिसका नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। ओके, तो नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से 44 महिलाओं को, 44। ओके, और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की अगर बात करते हैं तो है भारत रत्न। ओके, भारत रत्न 3 लोगों को मिला है इस साल। ओके, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणव मुखर्जी को। ओके, और अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट खेल की
हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर के, तो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. ओके, तो आप याद रखेंगे. द ट्रेडिशनल एंड हैंडमेड प्रोडक्ट फ्रॉम इडुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला विच रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ट्रेडिशनल और हैंडमेड प्रोडक्ट होता है खाने की ये चीज़ है, ठीक है ना, जो कि इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला की है. ओके, और इसको अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है. ठीक है, एक स्वीट डिश है. ठीक है, स्वीट डिश है ये, और इसका नाम है मारायूर जगेरी. मारायूर जगेरी, और ये इडुकी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, और इडुकी डैम भी है केरला में, और इडुकी डैम आर्क शेप डैम है. तो इसको जियोग्राफिकल टैग मिला है मारायूर जगेरी को. ओके, हु ऑनर्ड एज द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन एट द एज ऑफ 116 ईयर्स. तो किसको ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन का खिताब दिया गया, इनको ऑनर किया गया, और ये 116 साल की हैं. ओके, तो इनका नाम है केन टनाका. केन टनाका, और ये जापान की हैं. ओके, जापान की ये 116 साल की महिला हैं. और चियो मियाको, ये 117 साल में इनका निधन हुआ है. ठीक है, ये भी जापान की हैं, थी सॉरी. ओके, तो आप याद रखेंगे. तो ये था आज का करंट अफेयर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर योर टाइम. हैव अ नाइस डे.